मेरा नाम श्रुति सराफ है। मैं मालेगांव नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन स्टैटिस्टिक्स में हुआ है। मैं महाराजा साजीराव गायकवाड़ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच कम्स अंडर पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक 3rd आया है IIT जैम MS में एंड ऑल इंडिया रैंक 19th आया है गेट स्टैटिस्टिक्स में। IIT जैम एग्जाम ये ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स होती है। कोई भी ये एग्जाम अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दे सकता है। और ये एग्जाम IITs और IISc बैंगलोर कंडक्ट करती है। और IIT जैम देने के बाद वन कैन गेट एडमिशन इन IITs, NITs एंड IISc बैंगलोर। नेक्स्ट ये एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होती है। एंड अनदर थिंग इज कि ये एग्जाम साल में एक बार कंडक्ट की जाती है IITs से और इट इज ऑलवेज हेल्ड इन फेब्रुवरी। एंड इसके फॉर्म्स अगस्त से सितंबर के बीच में रिलीज होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स। नाउ आई वॉन्ट टू से अबाउट एग्जाम पैटर्न। IIT जैम एग्जाम के 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट होते हैं। ये सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच हैविंग -1/3 नेगेटिव मार्किंग। एंड जो रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं विथ -2/3 नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन बी इज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, इसमें मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग एंड दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। थर्ड सेक्शन होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, मीन्स वी हैव टू पुट इंटीजर और डेसिमल वैल्यूज वी हैव टू फिल यूजिंग द वर्चुअल कीबोर्ड ओनली। नाउ दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 20 क्वेश्चंस इन विच 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस आर ऑफ 2 मार्क्स विथ नो नेगेटिव मार्किंग। नाउ आई विल डिस्कस IIT जैम MS का सिलेबस। इट इंक्लूड्स 30% ऑफ मैथमेटिक्स एंड 70% ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन 30% ऑफ मैथमेटिक्स इट कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंस एंड सीरीज, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। एंड इन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, लिमिट थ्योरम्स एंड इन्फरेंस। एंड टू गेट अ गुड मार्क्स इन IITs और टू गेट अ सीट इन IIT किसी को प्रिपेयर करना है तो दोनों ही सेक्शंस लाइक 30% मैथमेटिक्स एंड 70% स्टैटिस्टिक्स वन कैन प्रिपेयर बोथ सो दैट दे कैन गेट अ गुड मार्क्स। मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, पर्सनल कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, मतलब वी कैन नॉट टेक पर्सनल कैलकुलेटर्स। वर्चुअल कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। एंड जैम 2023 इज कंडक्टेड बाय IIT गुवाहाटी, तो यू कैन चेक मोर डिटेल्स रिगार्डिंग IIT जैम विच एवर सब्जेक्ट यू वॉन्ट। मेरा जैम 2022 का सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था बट मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि आई कैन गेट अ IIT। सो आई डिसाइडेड कि मैं लाइक फैमिली भी बोली एंड एवरी वन टेल मी कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, यू कैन डू इट। तो मेरा जैम 2021 में नहीं होने का रीजन्स थे, सम रीजन्स बिहाइंड है। सम रीजन्स वेर कोविड के कारण मेरे एग्जाम्स शिफ्ट हो गए थे, ग्रेजुएशंस के डिले हो गए थे। तो मैं जैम एग्जाम की प्रिपरेशन एंड मेरे ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन मैनेज नहीं कर पाई। एंड सेकेंड अनदर रीजन वाज लाइक कि मैंने जो इंस्टीट्यूट में एनरोल किया था ना, दे डिडंट टुक अ सिंगल मॉक टेस्ट, मीन्स दे डिडंट प्रोवाइड अ प्रॉपर गाइडेंस। और मेरे हिसाब से अगर तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी और गाइडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी प्रिपरेशन जर्नी का। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक साल गैप लूंगी। देन आई ज्वाइंड अनदर इंस्टीट्यूट नेम्ड एज सुप्रीमम क्लासेस एंड आई थिंक सो वो मेरा बेस्ट डिसीजन था मैंने ज्वाइन करने का, बिकॉज सुप्रीमम क्लासेस इज कंडक्टेड बाय शशि सर एंड संतोष सर। शशि सर एंड संतोष सर बोथ
have done their post graduation from IITs only. तो they have a better knowledge कि तुम्हें कैसे preparation करना चाहिए, तुम्हें कौन सी चीजों पे ज्यादा work करना चाहिए, तुम्हें mistakes कम करनी चाहिए, या तुम्हें कैसे scoring करने में, they help me a lot. या हमारे जो भी group था हम सबको बहुत मदद मिली है. और मेन वॉज लाइक कि सुप्रीमम क्लासेस इज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट. आज मैं घर बैठ के लाइक मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ एंड दे हैव मेन ऑफिस इन बिहार. जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन इट इज पॉसिबल कि हम कनेक्ट कर पाए. तो मतलब इंडिया में कोई कहीं पे भी बैठा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनलाइन वन कैन स्टडी वेरी नाइस एंड वन कैन प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम. तो ये कोविड के ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज रहा और ये एडवांटेज मुझे बहुत अच्छे से फायदा हुआ. तो सुप्रीमम क्लासेस नाउ आई वॉन्ट टू टेल कि अगर कोई कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो सबके अपने अपने ना एक्सपेक्टेशंस होते हैं इंस्टीट्यूट से. लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस थे कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिले जो मुझे लास्ट इंस्टीट्यूट से नहीं मिला था. सेकेंड मुझे प्रॉपर टेस्ट सीरीज विद डिस्कशंस मिले. थर्ड माई वॉज लाइक कि कंसिस्टेंसी, मतलब मैं टीचर्स से अच्छे से कॉन्टैक्ट करके मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे. एंड नेक्स्ट वॉज कि गुड, मुझे मतलब एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए था जो मेरे साथ प्रिपेयर कर सकता था, जिनसे मैं डाउट्स डिस्कस कर सकती थी. और ये सब चीजें मुझे सुप्रीमम क्लासेस में बहुत अच्छे से हुई. तो इट मतलब मेरे लिए बहुत बेस्ट था सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करना. नाउ आई विल टेल यू कि मैंने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की थी सो दैट आई कैन मतलब मैं इतना अच्छा प्रिपेयर कर पाई. मेनली मैंने कोई प्रॉपर ऐसी अलग से फॉलो नहीं की थी. मैंने लाइक एज रिकमेंडेड बाय शशि सर जो हमें मैथमेटिक्स टीच करते थे, मैंने बेसिकली उनके ही नोट्स फॉलो किए थे जो काफी सफिशिएंट है. बट फॉर एक्स्ट्रा उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम थॉमस एंड फिनी बुक है जो कि बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज और मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए रिफर कर सकते हो उसमें से क्वेश्चन. अनदर वॉज लाइक कि तुम लीनियर अलजेब्रा के लिए संवेदना बुक यूज कर सकते हो. तो दिस वर द बुक्स आई रिफर फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन. नाउ फॉर स्टैटिस्टिक्स पोर्शन, संतोष सर सजेस्ट अस टू डू फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर बेसिक लाइक रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर ऑल विद इट. एंड ही वॉज टीचिंग फ्रॉम अस फ्रॉम प्रसन्न साहू. एंड प्रसन्न साहू इज वेरी नाइस बुक, मीन्स फॉर whoever don't know the basic na, that book is very nice. Now for inference part ke liye VK Rothke and Kasela version, ye book kafi achhi hai, matlab good level theory hai iske liye. And for questions one can jo matlab sir ne jo test series arrange ki thi na, kafi matlab questions were of too good, means if one want to practice more questions na to test series one can join. And another one of the important factor is previous year question papers. मैंने previous year question papers basically jam के तो I guess minimum 5 times तो किए थे 2005 से 2021 तक. And I will definitely recommend everyone जो भी preparation कर रहा है कि तुम जितने बार previous year questions को कर सकते हो ना बिना देखे उतने बार तुम try करो, because it is very helpful. Another previous year question I did of gate statistics के, then ISS के मैंने किए थे, ISI के किए थे, and NET set NTIFL, BHU, DU, इनके क्वेश्चंस हमको सर ने टेस्ट के दौरान हमसे करवा लिए थे, काफी मतलब मल्टीपल टाइम्स करवा लिए थे. तो मेरे लिए मतलब बेनिफिट था कि मेरी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी. मीन्स आई कैन एक्सप्लेन कि टेस्ट सीरीज के लेवल क्वेश्चंस काफी अच्छे थे. तो मेरी वो प्रिपरेशन में वो चीजें बूस्ट हो गई काफी ज्यादा. मीन्स मतलब मेरा लेवल बहुत ठीक था, टिक टिक था, बट टेस्ट सीरीज से काफी अच्छा हो गया. तो लाइक यू गाइज डेफिनेटली ज्वाइन टेस्ट सीरीज. तुम्हें जहाँ अच्छी टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, लाइक यू फर्स्ट तुम लोग पहले रिसर्च करना कि वो है कि नहीं है. बट इफ यू गाइज आर गेटिंग अ गुड टेस्ट सीरीज देन डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन. एंड अनदर फैक्टर वॉज लाइक कि मुझे शशि सर संतोष सर से ना बहुत प्रॉपर गाइडेंस मिला कि तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें मिस्टेक्स पे ध्यान देना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो. तो दिस वर द मेन फैक्टर्स मेरे प्रिपरेशन जर्नी में. और एक फैक्टर होता है डिस्ट्रैक्शन.
मेरे भी काफी डिस्ट्रैक्शन थे बिकॉज मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था, तो समटाइम आई फील लाइक कि अब बस नहीं, क्योंकि इट वॉज अ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम आई वॉज स्टडिंग. तो देन बट शशि सर मतलब लाइक सुप्रीमम क्लासेस हेल्प मी अलॉट कि नहीं यू कैन डू इट, मीन्स दे ऑलवेज मोटिवेट मी कि यू कैन डू इट. एंड वन अनदर फैक्टर विच हेल्प मी अलॉट वॉज माई ग्रेजुएशन टीचर्स. मीन्स मेरा बेसिक जो था ना, मेरे ग्रेजुएशन के टीचर्स ने इतना स्ट्रांग बनाया था ना, लाइक मतलब मुझे कभी मतलब इतनी तकलीफ नहीं आई बेसिक में, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से लाइक टीचर सपोर्टेड मी अलॉट. तो ये सब फैक्टर्स थे मेरे स्ट्रैटेजी में, मतलब मेरे पीरियड्स में. नाउ सबके मन में ये डाउट आता है कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए फॉर अ प्रॉपर. देखो मैंने ना कभी ऐसे कुछ काउंट नहीं किया था कि मुझे कितने घंटे पढ़ने, कितने घंटे मैंने पढ़े हैं, बट इफ यू नो अ बेसिक ना, देन 8 to 10 months इज सफिशिएंट फॉर अ जैम प्रिपरेशन जर्नी. बट अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है, तुम्हारा ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो 1 year इज इन मतलब 1 year यू शुड स्टडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ जैम. बट मैंने कभी ऐसे काउंट नहीं किए थे कि मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा. अनदर थिंग वॉज लाइक कि रिविजन, लाइक हम मैंने जुलाई एंड से मेरी प्रिपरेशन मतलब नेक्स्ट ईयर की चालू की थी. तो मतलब मेरी प्रिपरेशन मतलब मैंने सुप्रीमम क्लासेस आई ज्वाइन लेट, तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे मैं डेली वो भी देखती थी और लाइव लेक्चर्स भी देखती थी. तो दे कंप्लीटेड देयर सिलेबस इन अक्टूबर. उसके बाद जो टेस्ट सीरीज चालू हुई थी ना, तो डेली व्हाट आई वाज डूइंग कि मैं रोज एक एक टॉपिक लेती थी, ये टॉपिक पे रिकॉलिंग करती थी कि मुझे टॉपिक लेना और मुझे कितने चीजें याद है. बेसिकली शशि सर का ये सिंपल फंडा है कि तुम रोज एक टॉपिक लो, तुम 2-3 घंटा वो टॉपिक पे सोचो कि तुम्हें क्या आता है वो टॉपिक पे, या फिर तुम्हें क्या क्या वो चीजें याद है. और ये बहुत बेनिफिशियल था, मतलब देख के तो सभी लोग को हाँ ये याद है हमें, बट जो बिना देखे जो चीजें दिमाग में होती है ना वो काफी हेल्पफुल होती है. और रिविजन मैं बेसिकली ऐसे करती थी, और रिविजन मेरी एक साथ टेस्ट सीरीज सर ने बहुत मतलब पहले छोटे छोटे लाइक मॉक टेस्ट लेते थे, लाइक नॉट फुल लेंथ टेस्ट, तो उससे काफी अच्छा रिविजन हो गया. एंड लास्ट के 2 months में सर ने काफी फुल लेंथ टेस्ट ली, मीन्स आई डिडंट मतलब एबल मतलब मैंने काउंट भी नहीं किया कि मैं कितने टेस्ट सीरीज लिए थे. तो उससे मेरा काफी अच्छा रिविजन हो गया. तो मीन्स डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू गाइस कि तुम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और लॉयल्टी से टेस्ट सीरीज दो, बिकॉज टेस्ट सीरीज तुम्हारी जो प्रिपरेशन को है ना वो बूस्ट कर देता है, मीन तुम्हारा लेवल बहुत अप कर देता है. तो ये काफी पॉजिटिव पॉइंट्स है कि तुम टेस्ट सीरीज करो, PYQs मल्टीपल टाइम करो, एंड इफ पॉसिबल ना कि अगर तुम्हें कोई गाइड कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर तुम्हें कोई गाइड नहीं कर रहा है ना तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि मुझे गाइडेंस और कंसिस्टेंसी भी प्रिपरेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं या फिर सबके मन में डाउट्स होता है कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर IIT जैम MSc दे रहे हो, तो उसके कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं. तो ऐसे ना हर बार IITs कंडक्ट करती है ना, तो दे डिडंट फोकस ऑन सम स्पेशल टॉपिक्स, लाइक कभी वो इन्फरेंस को फोकस लेती है, तो कभी लाइक 2022 में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा फोकस था. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ना बताना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फॉर मी सारे ही टॉपिक्स को इक्वल इम्पोर्टेंस है. बट जो तुम्हें नहीं आता है उसको ज्यादा प्रिपेयर करो, जो तुम्हें आता है उसको तुम कम टाइम दे सकते हो. बट 30% मैथमेटिक्स एंड 70% स्टैटिस्टिक्स बोथ हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस. तो बेसिकली कभी ऐसा नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कम सारे ही इक्वल लेवल के इम्पोर्टेंस होते हैं. मैं वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में और बताना चाहूंगी. वर्चुअल कैलकुलेटर की मतलब प्रैक्टिस चाहिए होती है, बिकॉज हमको नॉर्मल जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं ना, जो जो बेसिकली साइंस स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो उसकी ना इतनी हैबिट नहीं हो मतलब उसकी हैबिट होती है, ऑनलाइन कैलकुलेटर पे करने की हैबिट नहीं होती है. तो आई विल रिकमेंड यू कि जो प्ले स्टोर से लाइक सबके फोन में प्ले स्टोर से गेट कैलकुलेटर करके एक होता है एप्लीकेशन, वो इंस्टॉल करके आप फर्स्ट डे से ही उस पे कैलकुलेशन करें, क्योंकि वो सेम कैलकुलेटर इस पे होता है वर्चुअल कंप्यूटर
कंप्यूटर स्क्रीन पर होता है। तो ये मैंने भी काफी मतलब मैंने स्टार्टिंग से तो नहीं किया था, बट व्हेन आई स्टार्टेड इन जुलाई, तो मैंने अगस्त सितंबर से मैंने चालू कर दिया था। लाइक आई वाज डूइंग कैलकुलेशन इन फोन ओनली। और अगर तुम अगर यू कैन इंस्टॉल इन योर पीसीज देन वेल एंड गुड, तो आप पीसी पर भी उसके कैलकुलेशंस कर सकते हो। एंड थोड़ा कैलकुलेटर का ना एक्चुअली इशू आता है, बिकॉज एट द टाइम इतने पर्सन्स यूज करते होते हैं ना, और इफ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड ना, तो यू हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज ऑफ मीन्स काफी यूज होता है तुम्हें कैलसी का। तो यू शुड प्रिपेयर बिफोर द एग्जामिनेशन की कैलसी को कैसे यूज करना है, बिकॉज जो साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो रूल्स होते हैं ना कैलकुलेशन से, इसके अपोजिट रूल्स होते हैं वर्चुअल कैलकुलेटर में। तो वन शुड प्रिपेयर बिफोर ओनली एग्जाम की वो कैसे कैलकुलेशंस या ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। अभी मैं नोट्स के बारे में बताना चाहूंगी। मैंने बेसिकली तो मैं लाइक उन क्लास के नोट्स ही फॉलो करती थी, बट मैंने जस्ट व्हाइल आई वाज डूइंग रिवीजन ना, तो मैंने चीजें सॉर्टिंग करना चालू की थी कि मैं ग्रुप कैसे कर सकती थी चीजों को। लाइक फॉर्मूले शीट्स बनाए थे, लाइक जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सारे जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज होते थे उसको एक जगह लिख लिए थे, ताकि मैं जब भी रिवीजन करूँ ना मुझे वो फॉर्मूलेज काम आए। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में तो मैंने यही चीज की थी हर टॉपिक के लिए, कि मैंने हर इसके नोट्स बना लिए थे, मतलब एक शॉर्ट नोटबुक बनाई थी। मैंने कोई चार्ट्स ये सब नहीं बनाए थे, बेसिकली मैंने सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स जो नोटपैड होते हैं ना मैंने उनका यूज करके मतलब सारे फॉर्मूलेज या फिर शॉर्ट ट्रिक्स या जो भी इंटर रिलेशंस होते हैं या बेसिकली जो भी स्टैटिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट होता है ना, मैंने सारे शॉर्ट्स में शॉर्ट नोटबुक्स में बना लिए थे, जो कि मैं हर बार रिवीजन करती थी तो मुझे काम आते थे। और मैं लाइक जो भी मुझे कभी नया कुछ मिलता था ना, कि मुझे कोई बता रहा है कि ये नया कंसेप्ट है या फिर ये नया फॉर्मूला है, तो मैं हमेशा वो नोट्स में राइट डाउन कर लेती थी, ताकि मेरे कहीं पे भी मतलब मेरे सारे नोट्स एक जगह हो। एंड फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन मैंने जो भी इसमें ना काफी फॉर्मूलेज नहीं होते मैथमेटिक्स पोर्शन में, इसमें ना तुम्हें थेरी ही या फिर थेरम्स या फिर ये सब याद रखने होते। जैसे इंटीग्रेशन में फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो मैंने नोट्स बना लिए थे उसके शॉर्ट के। और कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा में भी जैसे रैंक और उनके बेसिस पे और कैलकुलस में डेरिवेटिव्स उनमें ना फॉर्मूलेज होते हैं, तो ये सब मैंने बेसिकली एक नोट्स बना लिए थे, तो मैं नोट्स के मैं रिवीजन करती थी। और हाँ, अगर तुम्हें कभी कोई डिफरेंट प्रॉब्लम दिख रहा है या फिर एक नए कंसेप्ट चल बेस्ड प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ अलग ही ट्रिक लग रही है, तो मैं ये प्रॉब्लम्स को कई एक बुक में साइड में लिख लेती थी कि ये मतलब डिफरेंट है सारे प्रॉब्लम से, या फिर इसमें डिफरेंट थोड़ा थिंकिंग इसमें ज्यादा डिफरेंट है। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो भी तुम्हें जो भी आप लोगों को लगता है कि ये थोड़े कंसेप्चुअल बेस है या फिर इसमें कोई अलग ट्रिक है, तो आप उसके लिए भी एक बुक बना सकते हो, ताकि आपको ऑलवेज पेजेस को पलटना नहीं पड़े कि वो क्वेश्चन कहाँ है, लाइक आपको रिकॉल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के लिए मैंने एक अलग किया था कि जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में थ्योरम्स का काफी इम्पोर्टेंस है, तो मैंने थ्योरम्स को एक जगह लिख लिए थे सारे जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगते थे, उनके काउंटर एग्जांपल्स और उनके जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती थी ना, ये सब मैंने नोट्स बनाए थे। लाइक मैं सर के नोट्स तो पढ़ती थी एक बार, तो मतलब बेसिकली मैं ओवरलुक तो सर के नोट्स करती थी, बट व्हेन आई वाज इन एंड पीरियड ना, जब एग्जाम पास में आ रहे थे, तो आई वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन माय नोट्स ओनली, कि मैंने नोट्स में एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो आई गेस नोट मतलब नोट्स बनाना इज गुड वन, कि पूरा एट द एंड पढ़ा नहीं जाएगा, तो तुम नोट्स पर से सब कुछ रिकॉल कर सकते हो। DKT Engineering. अगर आप केवल इंजीनियरिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT Engineering. यहां आपको इंजीनियरिंग खासतौर पर JEE Main और JEE Advanced से जुड़े टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं अभी आप लोग को एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने कैसे फॉलो की। फर्स्ट मेरा मेन एक ये भी रीजन था, मेरा जैम 2021 में नहीं हुआ था। मैं एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के ना पैनिक हो गई थी, मतलब खुद को संभाल नहीं पाई थी, कि लाइक क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट बट इजी क्वेश्चंस भी थे, बट
एक मेन ये इम्पोर्टेंट होता है कि तुम क्वेश्चन पेपर देख के शांत हो जाओ, मीन्स यू डोंट हैव टू पैनिक. तुम हाँ फर्स्ट क्वेश्चन हार्ड है तो आगे इजी क्वेश्चंस भी होंगे विच यू कैन डू इट. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. अनदर फैक्टर इज कि एग्जाम के पहले ज्यादा पानी नहीं पीना, लाइक मॉडरेट पानी ठीक है तुमको जितना चाहिए. एंड यू शुड नॉट ईट मच फूड. ये दो होता है कि यू शुड बी इन प्रॉपर हेल्दी कंडीशन. अगर तुम ज्यादा सब चीज ओवर एक्सेस करते हो तो तुम्हारे एग्जामिनेशन के टाइम पे भी प्रॉब्लम होगी. अनदर थिंग वॉज कि मैंने सेक्शंस कैसे अटेम्प्ट किए थे. लाइक आई डिसाइडेड कि मैं पहले सेक्शन ए करूंगी, सेक्शन देन सेक्शन सी करूंगी, देन सेक्शन बी. ये ऐसे अटेम्प्ट करने के पीछे का मेरा मोटिव ये था कि सेक्शन बी में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं. इसमें ऐसा होता है ना कि अगर जैसे सपोज एक क्वेश्चन में थ्री ऑप्शंस करेक्ट है ए बी सी, एंड इफ यू ओनली चूज ए एंड बी, एंड इफ यू फॉरगेट और इफ यू डिडंट टिक सी, देन यू विल डोंट गेट अ मार्क्स. तो ये एक होता है कि तुम एक तो सारे ऑप्शंस को तुम्हें देखना होता है कि कौन से करेक्ट है, और इफ यू लेफ्ट की तुम कोई छोड़ दो तो लाइक इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग. मतलब तुम जो पहले तुम्हारे स्कोर कर पा रहे हो ना, जो तुम्हारे तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो तुम वैसा करो. मतलब लाइक मेरा जैम 2021 में यही था कि मैं सीरियली गई थी तो सेक्शन सी में मैंने सेक्शन बी में मैंने काफी टाइम मेरा ये कर दिया था, मतलब काफी ऑप्शंस सोचने में कर दिया था, तो मैं सेक्शन सी अच्छे से फोकस नहीं कर पाई. और सेक्शन सी में ना यूजुअली आईआईटी क्वेश्चन थोड़े इजी देती है. इट इज नॉट लाइक दैट मच डिफिकल्ट क्वेश्चन कि तुम स्कोर कर सकते हो उसमें से क्वेश्चन. तो मेरा मेन यही था कि सेक्शन ए फर्स्टली करना है बिकॉज सेक्शन ए कैरीज 50 मार्क्स, मीन्स इट इज अ हाईएस्ट वेटेज सेक्शन. तो उसमें मेरा था कि मेरी मेन एक थी कि मुझे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, मेरे देख क्वेश्चन पढ़ने पर नहीं मुझे समझ आ रहा है ना, मैं क्वेश्चंस को डायरेक्टली छोड़ रही थी. आई वाज नॉट थिंकिंग कि मुझे नहीं आ रहा है, हाँ छोड़ दो आगे और भी क्वेश्चंस है. और एक वो है कि मेरा थोड़ा प्रोबेबिलिटी पार्ट, मीन्स मुझे ना प्रोबेबिलिटी पार्ट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. मीन्स लाइक मेरे मुझे लगता है मेरे रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा है. सबके होते हैं, एक एक टॉपिक सबका होता ही है कि जिसमें वो वीक होता है. तो मैंने मेनली प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस मैंने टच नहीं किए थे मेरे फर्स्ट राउंड में. मेरा फर्स्ट राउंड वाज लाइक कि मुझे जो क्वेश्चंस मैं श्योरली हूँ कि मैं कर पाऊंगी और मैं डैम श्योर हूँ आंसर के बारे में, मैंने वही क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट किए थे. तो आई वाज लाइक कि मैंने फर्स्ट राउंड में सेक्शन ए से 15 17 to 20 क्वेश्चंस के बीच में मैंने अटेम्प्ट किए थे. एज इट इंक्लूड्स 30 क्वेश्चन, तो मैंने इसके बीच में इंक्लूड ये किए थे. सेक्शन बी मैंने छोड़ दिया था. देन आई मूव टू सेक्शन सी. सेक्शन सी में मैंने एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर मैंने कितने किए थे, बट सेक्शन ए और सेक्शन सी मिला के मैंने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे फर्स्ट राउंड में. एंड सेक्शन सेक्शन बी देन आई वेंट सेक्शन बी, तो मेरे 2 या 3 क्वेश्चन ही हुए थे फर्स्ट राउंड में. बट सेक्शन सी के बारे में मैं कभी श्योरिटी नहीं थी, तो मैं उसको मैं काउंट नहीं करती थी अच्छे से. आई वाज लाइक आई वाज श्योर अबाउट 37 क्वेश्चंस ओनली. जब मैंने सेकेंड राउंड चुना, मेरे ऐसे 3 राउंड्स थे. तो फर्स्ट राउंड में लाइक आई वाज लाइक कि मेरे जो भी क्वेश्चंस मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं मैंने वो किए एक्सेप्ट प्रोबेबिलिटी पार्ट. सेकेंड राउंड वाज लाइक कि मैंने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं बट मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रहे हैं या फिर मैं कहीं स्टक हो गई वो क्वेश्चंस करते हुए, तो सेकेंड राउंड में मैंने वो क्वेश्चंस किए. तो आई वाज लाइक कि मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लिए थे सेकेंड राउंड में. एंड थर्ड राउंड वाज लाइक कि जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए है, मतलब मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए. तो एज सेक्शन ए हैविंग नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें मैंने देख लिया था कि मुझे कोई आ रहे कि नहीं. आई वाज एबल टू डू 1 क्वेश्चन, तो मैंने वो क्वेश्चन कर लिया था. देन आई मूव टू सेक्शन बी और सी, जो मेरे जो नेगेटिव मार्किंग कैरी नहीं करते. तो देन आई स्टार्ट आई गेस हाफ आवर वॉज रिमेनिंग वेन आई स्टार्टेड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इन थर्ड राउंड. तो आई वॉज लाइक कि जो मुझसे हो रहे थे ना क्वेश्चन, तो मैंने क्वेश्चन कर लिए और जो बचे थे आई वॉज मीन्स आई डिडेंट लीव अ सिंगल क्वेश्चन इन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. आई कंप्लीटली टेक क्वेश्चन, मीन्स मैं क्वेश्चन पढ़ के आई वॉज लाइक कि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन हो सकते हैं तो
दिस वॉज मैंने टिक कर दिया है. एंड इन सेक्शन सी ऑल्सो इट इज अ लाइक वी हैव टू पुट अ वैल्यू यूजिंग अ वर्चुअल कीबोर्ड. तो मैंने जो भी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे मैंने जस्ट रैंडमली जैसे प्रोबेबिलिटी दी है तो उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में आएगी. तो आई जस्ट रैंडमली पुट ऑन सम वैल्यूज. इफ यू हैव अ लक एंड देन यू विल गेट अ मीन्स we have to put answers, we don't have to leave that blank, because if you are having a luck or by chance if you are nearby now then definitely place answer might be, because IIT is always when you are getting answer in integer now then they didn't provide a range. If you are getting answer 22 now then they will not provide a range. But if you are getting answer in point now, suppose 0.25, but if someone is getting answer 0.24, but IIT always provides a range like 0.20 to 0.25. So might be sometime your answers get matches in that range only. So meri basically aise strategy thi. Now maine like pehle 1 hour 1 to 1.5 hours में मैंने मेरा राउंड वन हुआ था. देन फॉर 30 to 35 minutes आई टुक फॉर अ सेकेंड राउंड. देन फॉर रिमेनिंग फॉर हाफ आवर आई डिड राउंड 3. एंड इन द एंड आई वॉज सीइंग कि मैंने सेक्शन बी और सेक्शन सी के जो क्वेश्चन मुझे आते थे मैंने बराबर आंसर्स पुट ऑन किए कि नहीं किए. एंड अनदर वॉज लाइक कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे मैंने उसके आंसर्स रैंडमली पुट ऑन कर दिए. तो बेसिकली मेरी ये स्ट्रैटेजी थी. एंड मतलब मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगी कि सब लोग सेक्शन ए पहले करिए उसके बाद सेक्शन सी करिए. सेक्शन सी में भी मेरी एक अलग स्ट्रैटेजी थी जो मुझे मेरे सुप्रीमम क्लासेस से बताई गई थी कि तुम पहले 51 to 60 क्वेश्चंस करो एंड देन यू कम विथ 41 to 50 क्वेश्चन एंड देन यू विल डू सेक्शन बी. तो ये स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी जो कि मुझे काफी हेल्पफुल रही, बिकॉज जो 51 to 60 क्वेश्चंस होते हैं ना वो लिटिल बिट इजी होते हैं. और जब तुम इजी क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो इट्स बेटर कि तुम जो इजी क्वेश्चंस है या जो क्वेश्चंस तुम कर पा रहे हो ना वो तुम कंटिन्यूअसली करो विदाउट थिंक ऑफ कि कितने क्वेश्चंस मैं कर चुकी हूँ या फिर कितने क्वेश्चंस मैं छोड़ चुकी हूँ. यू जस्ट कम्प्लीटली डू कि तुम एक राउंड में कितने क्वेश्चंस तुम कर रही हो, उसके बाद देन यू विल थिंक कि तुम कितने क्वेश्चंस छोड़ चुकी हो या कितने क्वेश्चंस हो गए और कैटेगरी वाइज कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस करने की नीड है, सो दैट यू विल गेट अ गुड मार्क्स. तो बेसिकली मेरी यही एग्जाम स्ट्रैटेजी थी और ये मुझे लाइक मेरे सुप्रीमम क्लासेस से बताई गई थी तो ये मेरी काफी हेल्पफुल थी. तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी लाइक स्ट्रैटेजी मतलब पहले स्ट्रैटेजी प्लान कर ले कि तुम्हें एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि जैन 2021 में मेरा यही प्रॉब्लम हुआ था. मैं कोई स्ट्रैटेजी से नहीं गई थी, ना ही मैं कोई प्लानिंग से गई थी, तो आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन प्रॉपर मतलब मैं प्रॉपरली पूरे एग्जाम में फोकस ही नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज पेपर भी डिफरेंट आया. एंड हर साल अलग अलग IITs पेपर निकालती है, लाइक इस साल IIT रुड़की ने पेपर निकाला था तो पेपर पैटर्न वाज डिफरेंट. पेपर पैटर्न आई कैन से क्वेश्चंस अलग थे. पिछले साल IIC बैंगलोर ने निकाला था तो उनका अलग था पेपर. तो हाँ फ्रॉम प्रीवियस ईयर वन कैन से कि तुम्हारा कैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या फिर तुम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, बट वन कांट से कि हाउ पेपर विल गोइंग टू कम या पेपर उनका जैसे कैसे सेट करेंगे या किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे किसको, वन कांट से. तो मेनली यू शुड फोकस ऑन ऑल द टॉपिक्स और एक स्ट्रैटेजी से पेपर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम काफी लाइक स्टैटिस्टिक्स इस मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठते बट और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है बाकी स्टूडेंट्स भी तो उसमें बहुत स्टूडेंट्स बैठते हैं. तो एक स्ट्रैटेजी से अगर आप पेपर देते हो ना तो आपका पेपर बहुत अच्छे मैनर में कंप्लीट होगा और काफी सेटिस्फेक्शन होता है. अगर तुम स्ट्रैटेजी से जा रहे हो ना तो पेपर कंप्लीट करने के बाद अलग सा ही मन में सेटिस्फेक्शन होता है कि बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया है. तो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन. भी जो जैम 2023 के एस्पिरेंट्स है कोई भी सब्जेक्ट्स के मेरे सम सजेशंस है जो वन शुड फॉलो ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन जर्नी. फर्स्ट इज बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशंस के लिए. आइदर यू आर गेटिंग by your seniors or by joining any institute, but one should be very consistent with their studies.
एक चीज है डिस्ट्रैक्शन. लाइक मुझे भी मेरे प्रिपरेशन जर्नी में काफी डिस्ट्रैक्शंस थे. मीन्स लाइक होते हैं फैमिली फंक्शंस होते हैं, आउटिंग होती है, सब कुछ होता है. बट इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स ना, यू शुड अवॉइड दिस थिंग्स. बिकॉज अगर तुम ये सब चीजों में इन्वॉल्व होंगे देन यू शुड मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी. तो इट इज बेटर टू अवॉइड दिस थिंग. अनदर थिंग इज वन शुड अवॉइड सोशल मीडिया. बिकॉज सोशल मीडिया लाइक एक लाइक यूट्यूब मेनली वी कैन यूज फॉर वीडियोज एंड फॉर कंसेप्शन. बस अदर सोशल मीडिया वन कैन अवॉइड बिकॉज उससे इंसान का माइंड डाइवर्ट होता है. तो वन शुड अवॉइड दिस थिंग्स. अदर थिंग इज वन अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो वन कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज. बट वन कैन श्योर कि वो टेस्ट सीरीज जो ले रहे हैं दे विल डिस्कस डाउट सेशन. मीन्स दे विल टेक अ डाउट सेशन ऑल्सो. बिकॉज सिर्फ टेस्ट सीरीज देना इट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट चीज. टेस्ट सीरीज के डाउट्स डिस्कस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये भी बहुत अच्छा फैक्टर था सुप्रीमम क्लासेस का, या बोल हाँ सुप्रीमम क्लासेस का, कि उन्होंने टेस्ट सीरीज के साथ हर टेस्ट के डाउट सेशंस होते थे उनके. तो काफी डाउट्स वैसे ही एक इंटरेक्शन होता है ना फ्रेंड्स का, तो काफी क्लियर हो जाता है. तो आई विल सजेस्ट कि अगर कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रहा है सिंपली वो सेल्फ प्रिपेयर करके, तो यू शुड बी लाइक आस्क बिफोर दैट इंस्टीट्यूट कि वो टेस्ट सीरीज के साथ डाउट सेशंस रखेंगे कि नहीं. अनदर थिंग वॉज कि कंसेप्ट थिंकिंग, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जब तक तुम कंसेप्ट को थिंक नहीं करोगे ना वो दिमाग में नहीं बैठेंगे. क्योंकि लर्न इतना सारा नहीं किया जा सकता है. बेसिकली वी हैव टू इंटरकनेक्ट एवरीथिंग. जो पॉसिबल होगा अगर तुम थिंक करोगे तो ही वो चीजें पॉसिबल है. तो कंसेप्ट थिंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अनदर थिंग इज लाइक मेरा भी प्रॉब्लम था वो कि मैं रिजल्ट के बारे में बहुत सोचती थी कि हाँ मतलब मेरा प्रिपरेशन तो चालू है बट आई विल थिंक अबाउट कि कैसा रिजल्ट आएगा. तो ये मुझे मेरे सर ने मोटिवेट मतलब बोला था कि तुम इसके बारे में मत सोचो रिजल्ट के बारे में. वो जो होगा देखा जाएगा, तब का तब फेस करेंगे. वी शुड फोकस ऑन लर्निंग ओनली. ये एक बहुत बड़ा है क्योंकि अपने फ्यूचर का सोच के या फिर रिजल्ट का सोच के नर्वस हो जाते हैं, वो टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर और व्हाट एवर बी रिजल्ट, तब का तब देखा जाएगा. नाउ आई विल फोकस ऑन लर्निंग. तो ये सम पॉइंट्स थे मेरे जो मतलब सजेशंस थे कि यू शुड फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स. और जो नहीं था लाइक डिस्ट्रैक्शन से सोशल मीडिया या फिर लाइक तुम्हें जो भी लगता है ना कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, स्टे अवे विथ हिम. और जो भी पर्सन होगा या चीजें होगी स्टे अवे फ्रॉम दैट. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. तो दिस आर माय सम सजेशंस फॉर यू गाइस. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. हु जो भी जैम 2023 देगा या फिर ऑल भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, हु एवर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. नाउ थैंक्स टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय ग्रेजुएशन टीचर्स, माय सुप्रीमम क्लासेस, एंड एट लास्ट thanks to Delhi Knowledge Track for giving me such a big opportunity, then so that I can share my experience strategy. Thank you so much.